कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने एक परिवार के निजी कार्यक्रम में शिरकत की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इंदौर शहर के दो पूर्व कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि दोनों विधायकों को छापों का डर दिखाकर भाजपा में जबरन शामिल कराया गया है। उन्होंने सुरेश पचौरी पर भी आरोप लगाया और कहा कि वे जनता के बीच कब गए, जरा ये भी बताएं। हम जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस हिंदू व्यक्ति ने कोई मंदिर का निर्माण कराया है, मैं तो कहता हूँ संजय शुक्ला जी ने तो मंदिर का निर्माण कराया है उनके परिवार ने, तो अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करना ये सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत है, और ये अगर होता है तो एक विनाश के लक्षण है। मंदिर का निर्माण जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक कलश ना चढ़ जाए, ध्वजा ना चढ़ जाए, तब तक स्थापना नहीं हो सकती। मोदी जी ने केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का एक बहाना बनाया। अरे उसमें चंदा हम सब ने दिया, कौन ने नहीं दिया, हमने भी चंदा दिया उसके अंदर, अदालत के फैसले के बाद हम सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी, तो राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता थी। मंदिर के निर्माण के लिए नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्य और रामानंदी संप्रदाय के राम नरेशाचार्य जी को लेकर एक रामालय न्यास का गठन किया, उससे निर्माण कराना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा जो कि कई सदियों से सेवा करता रहा है हनुमानगढ़ी में और मंदिर में, राम मंदिर, उनको उससे बिल्कुल अलग कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को ले आया, विश्व हिंदू परिषद कौन सा हमारे हिंदुओं की संस्था हो गई, 1965 में उसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, शंकराचार्य जी की पीठ 2500 साल पुरानी है, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको कहीं ना कहीं डर था, उनकी जमीन है, कॉलोनियां हैं, बिल्डिंगें हैं, क्या क्या है। सर सुरेश पचौरी जी ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए उसे रोक टोक नहीं करना चाहिए। भाई उसको मना करना था, मना पहले कर देते या बाद में कर देते, लेकिन जिस तरह से जो बर्ताव किया गया है वो ठीक नहीं है। सर वल्लभ भवन में आज भी आए हैं क्योंकि जनता के मुद्दों से और जनता से विमुख होती जा रही कांग्रेस, कांग्रेस विमुख हो रही जनता से, आप उनके सम्मुख होने गए हैं। पूरे देश में हालात क्या हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। आज राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद 6500 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनता से बीच में रह रहे हैं कि विमुख हो रहे हैं जनता से। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे जनता के बीच में कब गए थे, जनता की आवाज़ उन्होंने कब सुनी। ये सब बहानेबाजी है, ये सत्ता से अलग नहीं रह सकते लोग। आपको इसका मुख्य कारण क्या नजर आता है, आपको इसका मुख्य कारण क्या नजर आता है, नीतीश कुमार उधर चले गए तो इंडिया अलायंस में भी दिक्कतें चालू होंगी, तो मुख्य कारण क्या है, क्योंकि चुनाव आने वाले समय में कुर्सी, बिना कुर्सी के नहीं रह सकते ये लोग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बागी हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसके चेहरे पर जाएगी मध्य प्रदेश? हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, बीजेपी महिला लाने की तैयारी कर रही है, बीजेपी जो है इंदौर में महिला चेहरा लाने की तैयारी कर रही है। क्या आपके मिनिस्टर की भी जानकारी चली आ रही, नाम चल रहा है कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर भी यहां से चुनाव लड़ सकता है इंदौर से, ऐसी क्या स्थिति है, लालवानी जी का टिकट कट रहा है क्या? दिल्ली में शर्मनाक घटना हुई कल, समाजों को लात मारने, इसको किस तरह देखते हैं? बात यह है, देखिए बात यह है, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में प्रवेश जो किया है वो सोच समझ के विचारधारा के
लिए किया है। इस देश में तीन विचारधाराएं हैं, एक है कम्युनिस्टों की, एक है गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव की और भारतीय संविधान की जो मूल का जो आधार है उस पर जिनका विश्वास है। तीसरी विचारधारा है संघ की। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई विचारधारा की बात है। और विचारधारा की अगर बात ही तो कांग्रेस में आए क्यों, कांग्रेस से चुनाव लड़े क्यों, भाजपा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी। तो ये सत्ता और कुर्सी का राजनीति में कम से कम मेरे लिए तो उतना महत्व नहीं है जितना कि विचारधारा का है। मैं 1971 में कांग्रेस में आया और सोच समझ के आया। जनसंघ मुझे चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं, आरएसएस के लोग चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना और जीवन भर उसके लिए लड़ाई लड़ी। 77 में भी लोग कहते थे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, मैं उस समय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। यहाँ से यज्ञेश शर्मा जीते थे, सुरेश सेठ जीते थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी जन जन में है, नेता जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नहीं जाएगा। जो आज होगा उनका कहना रहा कि राम मंदिर का निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अब यही तो मुसीबत है, हर साल आग लग रही है। मेरे कार्यकाल में एक आग नहीं लगी, अब हर साल कभी सतपुड़ा में लग जाती, कभी वल्लभपुर में लग जाती, फिर विंध्याचल में लग जाती है। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के प्रमाणों को नष्ट किया जा रहा है। आज तक हमें नहीं मालूम कि वहाँ फाइलें कौन सी जली, क्यों जली, कैसे जली। हर बार कहते हैं जांच हो रही है, जांच का प्रतिवेदन सामने आना चाहिए, वो क्यों नहीं बताते। सर, वायनाड से जब राहुल गांधी जी का टिकट हुआ तो बीजेपी का ये कहना है कि अमेठी से डिक्लेयर नहीं किया, उनको प्रत्याशी डर गए राहुल गांधी। नेहरू गांधी परिवार के भी डरता नहीं है, जब परिवार जिसके दो लोग शहीद हुए हैं वो डरपोक नहीं हो सकते। इस बार सर आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे चुनाव मैदान में, जो पार्टी कहेगी मानेंगे। सर आपके बेटे को लेकर भी चल रहा है कि गुना सीट से सांसद की प्रिया, जो पार्टी निर्णय करी उसका पालन करेगी। लोकसभा की कब सीट चुनाव सीट आएगी, डिक्लेयर हो जाएगी कांग्रेस का मध्य प्रदेश की? अभी कर्नाटक की, केरला की, छत्तीसगढ़ सीटें तो डिक्लेयर हुई हैं, कल बाकी भी हो जाएंगे। इंदौर में कौन रहेगा, जिसको AICC कहेगी। सर कांग्रेस इंदौर की जो लड़ाई है, सब अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन शहर कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती, क्या वजह है? शहर कांग्रेस बैठी है आपके सामने, वही तो पूछना है। अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं भी कांग्रेस जनता से इसलिए दूर हो रही है कि जनता की आवाज़ ही नहीं। आप साथ तो दो, हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। आप साथ दो, हम सर लोकसभा से आंदोलन करते हैं, बड़ा आंदोलन कांग्रेस नहीं किया, उसकी क्या वजह है? करेंगे सर। बीजेपी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे लेकिन अब कांग्रेस युक्त जो है बीजेपी होती हुई नजर आ रही है। बात यह है ED, IT, CBI का डर दिखा के सब भाजपा में जा रहे हैं। सर EVM को फिर और भी कोई बड़ा लेना जा सकता है क्या लोकसभा चुनाव से? मैं तो शुरू से 2003 से EVM के खिलाफ हूँ। सर प्रियंका गांधी की मायावती जी से बात हुई, क्या वो भी इंडिया अलायंस में शामिल हो रहे हैं? मुझे नहीं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।